अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कासिम सुलेमान। आप देख रहे हैं सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस के बारे में बताया था, और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सी टेक्निक्स बताऊंगा और एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसको यूज करके आप अपने आप को बचा सकती हैं, यानी किसी भी ग्रिप से बचा सकती हैं। और बिल्कुल बेसिक टेक्निक है जिसको फीमेल्स बहुत आसानी से यूज कर सकती हैं, इवन मेल हजार भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पीछे से आपको नहीं पता क्या हो रहा है, तो आपको कोई पीछे से पकड़ सकता है, कोई आपको हाथ से ग्रिप कर सकता है, कोई आपको गर्दन से यूं ग्रिप कर सकता है, कोई आपके मुंह पर हाथ रख सकता है। तो इस सूरत में आप अपने आप को एक सिंपल प्रेशर पॉइंट सेल्फ डिफेंस टेक्निक से कैसे छुड़ा सकती है। तो आज के इस प्रोग्राम में जो बैक से अटैक में है उसमें जो अटैक, सपोज आपके मुंह पे किसी पीछे से हाथ रख लिया, तो आप उसको कैसे छुड़ाएंगे वो हम सिखाएंगे। आइए देखते हैं। अगर सपोज कोई आप यूं करती है, अब ये प्रेशर पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट है, हिट। बहुत आसानी से, यानी जब आपको पकड़ते हैं तो सबसे पहले आपने रखे हाथ ऐसे रखे, सबसे पहले आपने हाथ को नीचे से, ये यहाँ प्रेशर पॉइंट होता है इस जगह पे, आप नीचे से हाथ को यूं अटैक करेंगे ऐसे, या यूं पुश करेंगे। जब आप देखे हाथ को ऐसे पुश करेंगे तो अपनी बॉडी को पीछे की तरफ डाइवर्ट करेंगे। अगर मैं सिर्फ ये करता हूँ तो प्रेशर कम लगता है, अगर यूं करता हूँ प्रेशर ज्यादा लगता है। पकड़े जैसे ऐसे करूंगा, उसके साथ ही मेरा अटैक एल्बो, अटैक एल्बो जो पीछे डायरेक्ट मुझे पता है मेरे पीछे खड़ा है यूं, ये तो दूर खड़ा है, अक्सर क्लोज खड़े होते हैं तो उसमें ये और एक पॉम से किया और ये मारा यहां पे, और यहीं से ड्रॉप। अब एक प्रेशर पॉइंट ये देखिए, वन है, इसको मुख्तलिफ और तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे इसने इसको पकड़ा यहां से, ठीक है, एक तो मैंने ये किया यूं चला गया और यूं। अब दूसरा बहुत आसान तरीके, आसान तरीका ये है, अब इसका हाथ ये है, मैं अपने यहां लेफ्ट साइड में जब ट्विस्ट करूंगा ऑटोमेटिकली इसकी ग्रिप से मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। देखिए पकड़ा था, लुक, अब मैं यहां पे आ गया हूं। अब मैं यहां से स्पोर इस मुक्का बनाया, मैं इसको यूं करके मार सकता हूं, यहां प्रेशर पॉइंट होता है इस जगह पे। अगर आप यहां पे बॉक्सिंग में नॉकआउट होते हैं वो इस जगह पे होते हैं, ठीक है, कराटे में भी नॉकआउट इस जगह पे होते हैं, किक लगे पंच लगे नॉकआउट हो जाते हैं। अगर मैं इसको यूं करके इतना, मतलब जैसे आप किसी को थप्पड़ मारती हैं, थप्पड़ मारती हैं, सिंपल थप्पड़ है, आप उसको थोड़ा मुक्का बना दें, और ये हैमर, हैमर हड्डी नहीं, हैमर पंच, हैमर पंच थोड़ा पंच, यानी इसको आप ये अगर बहुत जोर से मारे तो इसको पूरा दबाव निकलेगा यहां से, ठीक है, या आप यहां मारे, देखिए इसकी इसकी फेस को, ये हमेशा याद रखिए, दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी आप सेल्फ डिफेंस करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे, उस टेक्निक के बाद आपने ओपोनेंट पे मल्टीपल अटैक्स लाजमी करनी है, क्योंकि अगर छुड़ाने के बाद आप साइड पे जाते हैं वो दोबारा आप अटैक कर सकता है, उससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि वो अटैक करे, आप काउंटर करने के बाद, अपने आप को छुड़ाने के बाद उस ओपोनेंट पे डिफरेंट किस्म के अटैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और टेक्निक्स हैं जो हम आस्ते से सीखेंगे, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं दूसरी टेक्निक्स के साथ। कि सपोज आपको कोई पीछे से यूं पकड़ लेता है, लाइक आए किसी ने आपको यूं पकड़ लिया, आप कैसे छुड़ाओगे, ठीक है, किसी ने आपको हाथ से पकड़ लिया पीछे से, आप कैसे छुड़ाओगे, किसी ने शोल्डर पे हाथ रख लिया पीछे से, तो आप अपने आप को कैसे छुड़ाएंगे, ठीक है, किसी ने आपको गर्दन से पकड़ लिया बैक साइड से ही, गर्दन से लॉक,
ये पकड़ लिया, आप अपने आप को कैसे छुड़ाएंगे? ठीक है, ये वो अटैक्स हैं जो बैक से कोई आपको अटैक करता है, तो आप अपने आप को कैसे छुड़ाएंगे? हम अगले प्रोग्राम्स में नेक्स्ट टेक्निक करेंगे और इस तरह पॉजिटिव थिंग्स के हम लोग